न्याय में दो, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करो। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को पहले। साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? शाहरुख खान के फैंस ने राहत की सांस इसलिए ली क्योंकि लगभग 2 साल से कैमरे से दूर रहे किंग खान ने शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म पठान का वो बिना किसी शोर शराबे के हिस्सा बन गए हैं। हालांकि ये बात तय नहीं है कि शाहरुख का इसमें क्या रोल होगा और कितना लंबा है। पठान को यशराज फिल्म्स द्वारा बनाया जा रहा है, जो फिल्म बनाते समय पैसा पानी की तरह बहाते हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे सितारे भी नजर आएंगे। खबर है कि दीपिका को 15 करोड़ और जॉन अब्राहम को 20 करोड़ रुपए में साइन किया गया है। ये दोनों भी जल्द ही पठान की शूटिंग शुरू करेंगे। जहां तक सवाल शाहरुख खान की फीस का है तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म के प्रॉफिट से 45% का शेयर लेंगे। यानी कि फिल्म यदि 100 करोड़ कमाती है तो शाहरुख खान उसमें से 45 करोड़ लेंगे। वैसे भी शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान आजकल इसी फॉर्मूले पर चल रहे है। तो दोस्तों, आप शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।